नमस्कार दोस्तों, नई न्यूज ये है कि बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी के जितने भी इन्वेस्टर हैं एक बैंक लॉन्च करने जा रहे हैं माल्टा में। बाइनेंस, जैसा कि आपने सुना होगा कि इसका एक साल कंप्लीट हो चुका है और एक साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में यह अपना एक खुद का डिसेंट्रलाइज बैंक बनाने जा रहे हैं माल्टा के अंदर। और ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है माल्टा में उन्होंने भी इस न्यूज़ को कंडक्ट कर लिया गया है। और जो जर्मन लॉ के अंडर जो बैंक की रूल एंड रेगुलेशन होगी वो जर्मन लॉ के अंडर ही रहेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि बाइनेंस वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बन चुका है ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से, और आने वाले दिनों में यह नंबर वन ही रहेगा। और इनका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हो चुका है डेली मार्केटिंग कैपिंग के हिसाब से, और इन्होंने अभी आने वाले दिनों में अपना खुद का एक बैंक लॉन्च करने के बारे में सोचा है। और जैसे इनका जो बैंक लॉन्च होगा तो क्रिप्टो करेंसी के जो माल्टा डेली उन्होंने रिपोर्ट किया है कि आने वाले दिनों में काफ़ी सेक्टर्स होंगे जिसमें जो बैंक अपनी सर्विस प्रोवाइड करेंगे क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ माल्टा ने ऑलरेडी डिजिटल इकोनॉमी के बारे में जो भी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करने के बारे में डिक्लेयर ऑलरेडी ये कर चुके हैं। तो बाइनेंस भी अभी आने वाले दिनों में डिसेंट्रलाइज बैंक में कदम रखने जा रहा है पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन में और फिएट करेंसी में। और जैसे कि अप्रैल में जो दूसरे कंट्री होंगे जैसे बिटबे ने भी इसमें कदम ऑलरेडी ये रख चुके हैं, जापान और हांगकांग में काफ़ी सर्विसेज इन्होंने लीगल दे चुके हैं।